हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश और चैप्टर का नाम है द मैजिक गार्डन। मैजिक का मतलब होता है जादू, हुई जादू वाला, ठीक है। और गार्डन मीन्स बगीचा, तो चैप्टर का नाम क्या हो गया, एक जादुई बगीचा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। तो ये मैजिक गार्डन कहाँ पर था, एक स्कूल के प्लेग्राउंड में, यानी कि जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। इट वॉज वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। वहां पर क्या थे, सनफ्लावर्स और रोजेस के पेड़ जो थे, जो प्लांट्स थे, वो दीवार के सहारे सहारे खड़े हुए थे। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज। तो यहाँ वहाँ पे और भी फ्लावर्स थे, जैसे मैरीगोल्ड्स है, पॉपीज है और पैंसीज है। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन वन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस एंड सैंग हैप्पीली। तो क्या होता था, इस गार्डन में बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ती थी। स्कूल के और एरिया थे जो थे, वहाँ से ज़्यादा जो किरणें थी ये इसी गार्डन में पड़ती थी, और जो सारे फ्लावर्स थे वो खुशी से नाचते थे और गाते थे। दे सेड टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे से कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास कितने हैं, सैकड़ों छोटे छोटे गार्डनर्स। गार्डनर का मतलब होता है माली, तो सैकड़ों छोटे छोटे माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, और वो माली कौन है, स्कूल के ही बच्चे हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, तो एक सनी मॉर्निंग मतलब जिस दिन बहुत अच्छी अच्छी धूप आती है, ठीक है। तो एक सनी मॉर्निंग में क्या हुआ, जो फ्लावर्स थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे और बर्ड्स से बात कर रहे थे, और क्या बात कर रहे थे, आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। अब पॉपी जो फ्लावर है वो बोल रहा था कि मुझे सारे बच्चे बहुत पसंद है, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो सबसे ज्यादा छोटे हैं वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। तो वो क्या करती है, छोटे छोटे जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, अपनी वाटर बॉटल में, उनकी वाटर बॉटल में जो भी पानी होता है वो मेरे थर्स्टी रूट्स में डालती हैं, या पानी भर के मुझ में डालती हैं वो। यस सेड द मैरीगोल्ड्स, अब जो मैरीगोल्ड्स थे यानी कि जो गेंदे के फूल थे, उन्होंने क्या कहा, यस उन्होंने कहा हाँ, द बॉयज आर गुड टू अस टू, तो जो लड़के हैं वो हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वो काफी अच्छे तरीके से ग्राउंड को, जमीन को खोदते हैं। अब फिर क्या हुआ, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड द टिनी बर्ड, अब छोटी सी चिड़िया, टिनी का मतलब होता है छोटी। अब छोटी सी चिड़िया ने कहा कि हम सबको जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत पसंद है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, वो बहुत दयालु हैं। काइंड का मतलब होता है दयालु, और वो हमारे लिए क्या लाते हैं, रोटी लाते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड, तो सभी फ्लावर्स ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, तो हमको बहुत हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि हमारी जो ड्रेसेस हैं बहुत सुंदर दिखें। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, ताकि ये जो बच्चे हैं वो हमें देख के खुश हो जाए, जो कि थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। द सनसेट, अब सूरज कहता है, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गार्डन सनशाइन, तो मुझे क्या सबसे ज्यादा पसंद है, तो सन कह रहा है मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जब जो बच्चे हैं वो सूरज की सुनहरी धूप में गार्डन में दौड़ते हैं। सडनली अचानक क्या हुआ, द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, अचानक क्या हुआ, बच्चे हंसते हुए गाते हुए बाहर आए। एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग टू लिसन टू देम, और जो फ्लावर्स थे उन्होंने गाना बंद कर दिया ताकि वो बच्चों का गाना सुन पाए, बच्चों को सुन पाए। ओ अरे लुक एट द टॉल सनफ्लावर, अरे देखो उस लंबे से सनफ्लावर को, सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा, उस लंबे से सनफ्लावर को देखो, सूरजमुखी के प्लांट को देखो। And the sunflower lifted its head very proudly. और जो sunflower है उसने बड़े ही proudly का मतलब होता है गर्व से अपना सर उठा रखा है। Another child said, अब दूसरे बच्चे ने कहा, I love the marigold in its golden dress. मुझे जो marigold है उसको, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इसकी जो golden dress है, सुनहरी जो dress है, वो मुझे बहुत पसंद है।
द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और ये सुनकर जो मैरीगोल्ड है वो स्माइल करती है, खुश हो जाती है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज। तो ये सच में एक मैजिक गार्डन था क्योंकि यहाँ पर फेरीज का मतलब होता है परियां भी थी। दे डांस एंड सेंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। वो परियां क्या काम करती थी, गाती थी और अच्छा मधुर मधुर गाना गाती थी और डांस करती थी और सिर्फ बच्चे ही उस गाने को सुन पाते थे, सुन सकते थे। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन। तो उस समय बाद क्या हुआ, फेरीज आई, परियां आई और डांस करने लगी और बच्चों से बातें की उन्होंने। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। तो उनके जो कपड़े थे वो फ्लावर्स के बने हुए थे, फूलों के बने हुए थे, और उनके जो पंख थे वो सूरज की रोशनी के बने हुए थे, यानी कि ऐसे चमक रहे थे जैसे कि सूरज की रोशनी। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। अब उस रात को मैजिक गार्डन शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। और जो फ्लावर्स और बर्ड्स थी वो सो चुकी थी और वो सपने देख रही थी कि अगले दिन बच्चे आएंगे और फिर से वो खुश होंगे हमें देख के। ठीक है, तो ये स्टोरी खत्म हो गई है। ये ली गई है स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बेल्टन बॉल्टन। ठीक है, तो ये राइटर है मार्गरेट एच बॉल्टन, इनकी बुक है द फेरी गार्डन, वहां से ये स्टोरी ली गई है। तो इस स्टोरी में हमने क्या क्या नए वर्ड्स पढ़े, हमने पढ़ा मैजिक, मैजिक का मतलब होता है जादू, गार्डन मीन्स बगीचा, और गार्डनर मीन्स होता है माली जो बगीचे की देखभाल करते हैं, वहाँ पे खुदाई करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। प्लेग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। सनशाइन का मतलब होता है सूरज की रोशनी। गोल्डन का मतलब हुआ सुनहरा, और ड्रीमिंग मतलब सपने देखना। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।